नमस्कार एस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है एम के लिए इस खास पेशकश में हम हर एडिशन में आपके समक्ष एक नई थीम के साथ हाज़िर होते हैं आज हम आपकी मुलाकात एक खास मेहमान से करवाने वाले हैं आई एम हैप्पी टू वेलकम श्री बी बी सोएन एम एस एम ई सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर नमस्कार एंड थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड जॉइनिंग अस आपका शुक्रिया आई सर बातचीत के सिलसिले को हम शुरू करते हैं सर अगर हम एमएसएमई क्षेत्र की बात करें इसका देश की अर्थव्यवस्था में कई मोर्चों पर काफ़ी अहम योगदान है इस क्षेत्र पर पिछले दिनों काफी दबाव रहा पैंडेमिक के कारण उससे ये क्षेत्र में हमने देखा उद्यमी बाउंस बैक कर रहे थे कम कर रहे थे कि ग्लोबल अनसर्टनिटीज ने कई तरह की चैलेंजेस बढ़ा दिए उनके लिए

but what i really appreciate is the sheer resilience which has been shown people changed products people changed nature of business people found markets people found new technology i mean to frankly speaking if you really look at it before the pandemic started the use of e formats e platforms the use of digitization digitalization all these things have increased sharply and this is something which has really gone to the basic level. Now, these are things which were learnings. It is a resilience, it is a resilience of a particular sector which gives probably the second most highest employment out of all the sectors after agriculture. The fact remains is there have been surveys, if you really look at the SBI survey, it actually gave a figure of uh, I think 13.5 lakh MSMEs, they said, which actually got saved because of that lifeline. I am quite amazed of the kind of schemes which came in.

और इस इन्वायरमेंट में आगे चलते हुए इनका रोल कितना अहम रहने वाला है देखिए ये एक ऐसा एक सेक्टर है ये एक प्रोडक्ट पे नहीं है इसमें हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं। अब ये ऐसा भी नहीं कि एक ही सेक्टर का है तो एक हमारा जो कोर है वो कोर नेचुरल स्मॉल इंडस्ट्रीज के साथ है बहुत सारे टेक्नोलॉजी सेंटर्स हम लोग रन करते हैं हमारा जो डिफरेंट इंडिया में जो स्प्रेड ऑफ ऑफिसेस है वो हाईली इंडस्ट्री फोकस्ड है और जो मैन मैन पावर है जो वर्कफोर्स है इट इज़ ऑल्सो हाईली टेक्निकल वर्कफोर्स जैसे इंजीनियरिंग काइंड ऑफ ए टास्क फोर्स ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड सर्विसज ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर आज के दिन में अगर आप स्ट्रेटिस्टिक्स देखेंगे इवन उद्यम की स्ट्रेटिस्टिक्स देखेंगे जो कम्पलीट स्ट्रैटिस्टिक नहीं है आपको पता है कि हर दिन आर्ड होता जा रहा है आज के दिन में ग्यारह मिलियन हो चुका है एक पॉइंट एक करोड़ एंड ये होप है कि डेफिनेटली बढ़ता जाएगा उसका जो फिगर जो फिगर आज के दिन में हमारे पास है उसको भी हम एनालिसिस करेंगे तो थर्टी परसेंट मैनुफैक्चरिंग या सेवेंटी परसेंट सर्विसेज उसका मतलब है कि सर्विसेज भी कितनी बड़ी सेक्टर हो चुकी है अभी हम लोग जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जो एक आप मान लीजिए एक वॉलन्ट्री रजिस्ट्रेशन है उसमें फ्रैंकली स्पीकिंग आप जब भरते हैं मैं आपको नहीं कह सकता हूँ कि आप पाँच लिखो छः लिखो आठ लिखो आप लिखते हैं आप लिखते हैं कि आठ है दस है उसका फिगर आपको आश्चर्य होगा कि एक करोड़ की एम्प्लॉय में हमारे आठ करोड़ की एम्प्लॉयमेंट दिखा रहा है उसका मतलब है जो नॉर्मल जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए पूरे दुनिया में जो नॉर्म्स है वो सात से आठ के आसपास आता है तो सात से आठ के एवरेज एक्चुअली हो रहा है ना अगर आठ करोड़ लोग इसमें एम्प्लॉयड है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये फॉर्मेलाइज फिगर और ये फिगर जब बढ़ता रहेगा वट इज़ द लेवलॉयमेंट इट दिस सेक्टर इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग जितनी हम देख रहे हैं तमाम स्कीम्स हैं एम एस एम ईस के लिए डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं उद्यम शक्ति के तहत उसके बारे में आप एम एस एम ईस के साथ क्या शेयर करना चाहेंगे वो काफ़ी अहम रहने वाला है उनके लिए इसकी एक शुरुआत हमारे जो फील्ड ऑर्गेनाइजेशन है डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस है उसके जो ऑफिस है वो सब ने ये एक बहुत ही अच्छा पहल शुरू किया है इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट ने हमें कॉन्टैक्ट किया कि हम लोग एम के लिए कुछ स्पेशल स्कीम लाना चाहते हैं देखिए एम एस एक सेक्टर है हर कोई प्रोडक्ट का वहाँ इंटरवेंशन हो सकता है हर कोई मिनिस्ट्री का भी वहाँ इंटरवेंशन हो सकता है मोस्ट ऑफ़ द मिनिस्ट्री जो प्रोडक्ट बेस्ड है जो इंडस्ट्री बेस्ड है जो कॉमर्स बेस्ड है एंड उन लोगों ने कॉन्टैक्ट किया और हमारे ऑफिसर्स और उनके ऑफिसर्स मिलके उनके स्कीम्स बनाए और उनके जो स्कीम से वो अभी लॉन्च हुआ एम एस एम के लिए जो फोकस है वो चीज़ उनको हम बता सकें और उनका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के धैर्य रख के उन्होंने अच्छे से स्कीम बनाया जो मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा डेफिनेटली उसका सक्सेस लेवल रहेगा उससे ये हमें लगा कि हर कोई मिनिस्ट्री में जो मिनिस्ट्री पर्टिकुलरली प्रोडक्ट बेस्ड है जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं स्कोप है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव उसमें आपको आश्चर्य होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में एम का एलिमेंट उस मिनिस्ट्री ने रखा है फार्मास्यूटिकल ने रखा है टेक्सटाइल टेक्सटाइल तो अलग अलग मिनिस्ट्री भी ये एक सेक्टर के लिए बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही सफल स्कीम भी ला रहे हैं उद्यम मित्र का कंसेप्ट ये है कि हम सारे मिनिस्ट्री को कम कंबाइन करें इंफॉर्मेशन वाइज कि हमारा जो टारगेट ग्रुप है वो जब उसको देखते हैं या जब उसको यूज करते हैं उनको वो डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए तो इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप भी एक कंसेप्ट जो हम लोगों ने अडोप्ट किया है रैम्प में हमने एक कंसेप्ट अडोप्ट किया है रैम्प में कल कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स हम जब एक सेक्टर को देखते हैं हम सेक्टर को ये नहीं देखते हैं कि हर हर कोई डिपार्टमेंट हर कोई स्टेट स्टैंड लोन वे में काम कर रहा है और ऐसा भी नहीं कर रहे हैं कि वो एक साथ हर कोई चीज़ हम ही करेंगे वो नहीं ऐसा नहीं है बट कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स जो स्टेट का पॉलिसी जो है हमारा जो पॉलिसी उसमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन इतने सुंदर वे में होना चाहिए कि हमारा जो टारगेट ग्रुप अल्टीमेटली तो सेम है और ये अलग अलग स्टेट्स में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स आज के दिन में हो रहे हैं जो हमारे स्कीम के साथ कंबाइंड होकर कर रहे हैं रैम्प के तहत जो फोकस है वो एम एस एम ईस की ओवरऑल डेवलपमेंट पर है साथ ही जोर है जो सेंटर स्टेट पार्टनरशिप है उसको एनहेंस किया जाए मुझे पूछेंगे कि रैम की सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मैं कहूँगा तीन चीज़ें एक है पॉलिसी मेकिंग जो मैंने आपको कहा कोऑर्डिनेटेड रिस्पेंस कि ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड इस सेक्टर को हम लोग किस नजरिए में देखते हैं एंड ओवर ए क्या इंटेंशन है सारे इंटेंशन पॉजिटिव है हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट कराना चाहते हैं इकोनॉमी में नेचुरली बूस्ट लाना चाहते हैं हर कोई चीज़ पॉजिटिव है वही इंटेंशन हर स्टेट का है वही इंटेंशन फेडरल गवर्नमेंट का है सेकेंड जो रैम्प की कॉन्प्ट है वो एस का कॉन्सेप्ट है एस का कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स हर स्टेट को हम लोग इन्वाइट कर चुके हैं और आपको बहुत खुशी होगी कि दो वीक पहले हमने इन्वेट किया और सत्रह स्टेट अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं सेवनटीन स्टेट इट इस क्वाइट अ रिकॉर्ड इन जस्ट टू वीक्स सेवनटीन स्टेट्स हैव ऑलरेडी द कंडीशन ये स्कीम इनको मदद करता है कि पहले उनका एक एस आई पी बनाए एक बहुत ही साइंटिफिक एस आई पी बनाए जो स्टेट स्पेसिफिक हो स्वाभाविक है आप ये मानेंगे कि एक फार्मूला में तो पूरे हर राज्य की तो नहीं हो सकता है सो नेचुरली मेघालय की अलग बनेगी और किसी का अलग बनेंगे बट वो एस जो है वो साइंटिफिक हाईली प्रोफेशनल उनके रिसोर्सेज सारी चीज़ को कवर करके एक एस आई बने ये एस का जो जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो इंटायरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड कर रहा है रैम्प से कर रहा है नंबर थ्री रैम्प में हम लोग मार्केटिंग को सपोर्ट करेंगे काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे हम लोग नए नए स्कीम्स ला रहे हैं जैसे आपके जेड है स्कीम्स है बट अभी एक्सपैंड हो रहा है उसमें नेचुरली हम चाहते हैं कि हर स्टेट से उसका रिप्रेजेंटेशन रहे हम देख रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमीज़ में इन्फ्लेशन के प्रेशर्स हैं कई टॉप एक्सपोर्टिंग मार्केट्स हैं हमारे प्रोडक्ट्स की वहाँ पर हम देख रहे हैं रिसेशन को लेकर फेयर्स भी हैं इस एन्वायरमेंट में आप एम को क्या कहना चाहेंगे ये जो अनिश्चितता है वो बिजनेसिस के लिए अच्छी नहीं होती है देखिए अल्टीमेटली कोई भी अनिश्चितता बिजनेस तो के लिए अच्छी नहीं होती है बट एक उनका स्प्रेड मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्प्रेड की मिक्स ये सारे चीज़ इनमें से भी काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं मैं मानता हूँ उनका एक्सपर्टीज होता है जो स्मॉल बिजनेस है वो स्मॉल बिजनेस और कुछ ढूंढ लेता है कहीं अब मान लीजिए एक चीज़ का मार्केट नहीं है सेकेंड प्रोडक्ट लाता है क्योंकि उनका ऑपरेशन स्केल शायद इतना ज़्यादा नहीं होता है तो वो कर भी सकते हैं उसका वो बहुत स्मूथली वो चेंज भी करते हैं तो ये जो सब कंसेप्ट है मैं मानता हूँ कि इनके सर्वाइवल में तो कोई इशू नहीं होगा इनका एफ्लुएंस में कोई माइनर डैमेज यहाँ वहाँ हो सकता है बट आई वुड ऑलवेज से दैट दीज दीज आर आर थिंग्स थिंग्स पास एंड वुज अफेक्ट बट दैट अ परमानेंट इफेक्ट डजनसरी उद्यम पर हम आते हैं उद्यम आपने जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी में लॉन्च किया तो इसमें आप ये भी बता सके सर जो उद्योग आधार मेमोरेंडम से यू से कितने इसमें माइग्रेट हो पाए हैं जनरली आई नो आई थिंक इट इज चौदह लाख के आसपास है आप ओरिजिनली देखेंगे तो उद्योग आधार मेमोरेंडम जिसको कहा जाता था यू ए उद्योग आधार मेमोरेंडम में लगभग एक करोड़ पाँच साल में आई थी एक करोड़ जैसे एंट्री था और उससे चौदह लाख रुपया चौदह लाख एंट्रीज अभी माइग्रेट हो गए बाकी नहीं हुए हैं ये शायद प्रश्न आपका हो सकता है कि क्या वो अभी भी माइग्रेट करते वो कभी भी माइग्रेट कर सकते हैं वो वो माइग्रेट कभी भी कर सकते हैं यानी जिनके पास उद्योग आधार मेमोरेंडम है और वो उद्यम में माइग्रेट नहीं हुए हैं दे आर नॉट दे आर स्टिल वैलिड अंडर देस एम ईस दे आर नॉट आई विल टेल यू वाई बिकॉज उसका वैलिडिटी हम लोगों ने एक्सटेंड किया है इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ रजिस्ट्रेशन और नॉन रजिस्ट्रेशन उद्योग आधार मेमोरेंडम जो पहले हुआ करता था स्वाभाविक है कि थोड़ा टाइम चाहिए माइग्रेट करने के लिए एंड दैट इज वाई द मिनिस्ट्री टू के कंसल्टेशन राइट इन द बिगिनिंग कि उसका एक है। तब उसके बाद डिपेंडिंग ऑन स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हम लोग काफ़ी उसका इन, आप देखेंगे एक्सटेंड किए हैं सर जैसे देश में 6.3 पॉइंट थ्री करोड़ एम एस एम ई यूनिट्स हैं और उनको जो तमाम गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका अगर वो बेनिफिट चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन मस्ट है अगर वो इस तरफ़ बढ़ें तो उनका बेनिफिट है नहीं बढ़ेंगे तो जो तमाम बेनिफिट्स हैं उनसे वो महरूम रह जाएंगे जो इस तरफ आएँ अच्छी बात है जो नहीं आ पाए हैं आपको क्या लगता है तो उनमें क्या हेजिटेशन हो सकती है देखिए एक चीज़ है कि अर्लियर मेथड और ये मेथड में कंपेयर करेंगे तो ये फास्टर हो रहा है उद्योग आधार मेमोरेंडम में पाँच साल में एक करोड़ हुआ था इसमें दो साल में एक करोड़ हुआ तो दैट डेफिनेटली उसका स्पीड रहा है एक चीज़ जिसके ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं कि क्या उस टाइप के यूनिट्स हैं जो इंटरप्राइज है जो क्रेडिट मार्केट में तो है वो लोग लोन ले रहे हैं बैंक से लोन ले रहे हैं अलग अलग संस्था से लोन ले रहे हैं माइक्रो क्रेडिट से ले रहे हैं तो दैट बेसिकली मीन्स ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे और ऐसा भी नहीं कि वो फॉर्मल नहीं है क्योंकि वो एक मेथड में है वो लोन लेते हैं लोन रिपे करते हैं क्रेडिट मार्केट में है उसका अर्थ है कि ये एग्जिस्ट करते हैं अच्छे बिजनेस कर रहे हैं बट फॉर सम रीज़न वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है यही बेसिकली डिफरेंस है हम लोगों ने सिट भी के साथ काफ़ी बातचीत हुआ और सिडवी ने इसमें काफ़ी काम भी किया है हम लोग कवर ऑफिसर्स के साथ काम कर रहे हैं हम लोग बल्क अपलोडिंग का कॉन्सेप्ट के ऊपर काफ़ी वर्क कर रहे हैं मैं मानता हूं कि अभी जो स्टेज में है शायद दो तीन महीने के अंदर हम लोग उसको रियलिटी में ला सकेंगे जिसमें एसेंशियली लैंडो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन उनको हम कुछ स्पेशल फैसिलिटी देने देंगे एक बार ये बल्क अपलोडिंग भी शुरू हो जाएगा तो मैं मानता हूँ उद्यम का रजिस्ट्रेशन काफ़ी क्लोज आ जाएगा सर सर आगे बढ़ते हैं अब हम आपसे डिलीट पेमेंट्स पर आपके व्यूज़ चाहेंगे जो कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक बड़ा कंसर्न एरिया रहा है इसको एड्रेस करने के लिए स्टेप्स कई लिए गए हैं लेकिन आ, ये भी देखा जाता है कि प्रॉब्लम काफ़ी हद तक बरकरार है इसमें ऑन्टरप्रेनर्स कहते हैं गवर्नमेंट्स हों स्टेट गवर्नमेंट्स हों कॉरपोरेट्स हैं उनके एंड से डिलीट पेमेंट्स रहती हैं आपकी तरफ़ से क्या संदेश होगा इस फ्रंट पर सारी चीज़ मतलब मैं जो आपको कह रहा हूँ दैट इज़ नॉट इंटायरली रिलेटेड ओनली टू डिलेड पेमेंट कोविड के टाइम में एक गवर्नमेंट ने एक अच्छा एमपोर्ट किया आप देखे होंगे समाधान में एक सब पोर्टल भी बनाया गया वो स्ट्रिक्टली डिलेट पेमेंट के ऊपर नहीं था वो पेमेंट के ऊपर था इट वॉज नॉट ओनली ऑन डिलेड पेमेंट तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाएगा कि जो ड्यूज़ एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट का है जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्रीज है पब्लिक सेक्टर्स हैं क्या वो टाइम में पे कर सकते हैं इसमें फिगर आप देखेंगे तो बिटवीन ट्वेंटी मे ट्वेंटी एंड सेप्टेम्बर ट्वेंटी सो सो हैव टेकन द लाइटेस्ट फिगर टोटल पेमेंट इज वन हंड्रेड फोर्टी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एट्टी फोर से लगभग सो दिस वॉज द पेमेंट विच द गवर्नमेंट पेड ड्यूरिंग द पेंडेमिक सेकेंड थिंग डिलेड पेमेंट जो बायर और सेलर के बीच में होता है अब एनालिसिस करेंगे चार से पांच टाइप का चीज़ें होता है एक है जो म्यूचुअली सेटल्ड है एक है जिसमें कुछ रिजेक्ट हुए हैं कुछ केसेस हो सकता है उसमें डाटा नहीं था कोई प्रॉपर पेपर्स नहीं था कुछ भी हो सकता है एक है जो इन्होंने डिसीजन दिया है काउंसिल ने डिसीजन दिया है और पेमेंट के लिए कहा है और एक है जो शायद काउंसिल बिकॉज ऑफ वॉट रीजन अटेंड नहीं कर सकता है हमारा फोकस नेचुरली लास्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा है और उसके लिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत रेगुलरली टेकअप कर रहे हैं कि केसेस शुड बी हार्ड एंड डिसीशन शुड बी गिव डिफरेंट स्टेट्स को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो तो काउंसिल की नंबर बढ़ाए क्योंकि काउंसिल बहुत सारे जगह में सिर्फ एक ही है तो स्वाभाविक है कि भाई बड़े बड़े स्टेट्स होते हैं अलग अलग जगह से लोग केस फाइल करते हैं उसमें वो टाइम टेकन हाई होता है अब ये एक एफर्ट्स के बाद आप देखेंगे आज आज के दिन में यूपी कर्नाटका दिल्ली, आपको थोड़ा वो जम्मू एंड कश्मीर महाराष्ट्र पंजाब तमिलनाडु तेलंगाना ये सब कुछ नंबर बढ़ाए किस जगह में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है कम बढ़ा है पूरा फिगर में आप देखेंगे तो शायद सेवेंटी आउट था अभी सेवेंटी नाइन हुआ करता था ये एफर्ट्स के बाद लास्ट थोड़े महीने में वन हो गया है सो स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पॉस आ रहा है ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है काउंसिल्स के नंबर बढ़ रहे हैं सोन साहब जैसे अगर हम देखें एम एस एम ई एक्ट टू थाउजेंड सिक्स के तहत एम एस एम ईस की पेमेंट के लिए फोर्टी फाइव डेज का क्रेडिट पीरियड रहता है लेकिन ऐसा देखा गया है ऐसा फीडबैक भी मिलता है कि एम एस एम ईस कई बार डिलेड पेमेंट्स होने के बावजूद उसको रेस करते नहीं हैं आगे नहीं आते हैं उनके जहन में यह भी रहता है कि हमें रिपीट ऑर्डर्स भी लेने हैं क्या आप इससे भी एग्री करते हैं कि बायर एंड सेलर की एक रिलेशनशिप होता है क्योंकि बायर एंड सेलर की भी रिलेशनशिप एक बरसों का रिलेशनशिप होता है वो नॉर्मली आप देखेंगे कोई भी जगह में इसका अर्थ ये कहने का नहीं है कि लोगों को पेमेंट नहीं करना चाहिए ओबियसली हमारे डिपार्टमेंट है हमारे यही प्रिंसिपल है बट हमारी अपील भी है कि आई थिंक ये बेटर रिलेशनशिप हर जगह में होल्ड करना चाहिए और लोग लिटिगेशन में शायद ये काउंसिल्स में तभी आते हैं जब कोई शायद वो करेक्शन नहीं होता है और उनको लगता है कि अभी पेमेंट नहीं होने वाला है बट एक एक बहुत ही हाउ डू आई से इट्स अ वेरी डेलीकेट काफ़िंग रिलेशनशिप विल नॉट गो अवे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को कैसे देखते हैं क्योंकि हमने ये देखा कि पैंडमिक के दौरान उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इनफैक्ट स्मॉलर बिजनेस और स्मॉलर सिटी से उस फ्रंट पर आए हैं लास्ट जो सर्कुलर हुआ था 2018 को हुआ था देर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच द मिनिस्ट्री इज वर्किंग ऑन विद सिस्टम इनस्ट्रीज रिगार्डिंग हाउ हाउ यू कैन रियली इम्प्रूव सिस्टम Two important factors who has been onboarded, and if he is onboarded, is he functioning, is he using it? Correct? These, these are the I mean, I will bring it down to the very basics of it. The very basics is these two factors. Now, these are the two things where we are working. I think a lot more needs to be done and wonderful initiative. Do you expect uh, more corporates to come forward for onboarding? Uh? I think, I think if, we, if we move in a correct way, yes, why not? फ्यूचर kind of आप पब्लिक प्रक्रूटमेंट वगैरह कुछ शेयर करना चाहें एम एस एम ईज के लिए स्पेसिफिकली कुछ उस फ्रंट पर कुछ पता पर देखिए पब्लिक प्रोक्रूटमेंट इज फॉर माइक्रो एंड स्मॉल फॉर एमएस एंड इट इज समथिंग विच इज बर्न आउट ऑफ द एक्ट एक चीज़ आप ये कह सकते हैं कि दो चीज़ बोलोग एक 25 परसेंट जो गवर्नमेंट आई थिंक बिफोर फ्यू इयर्स ऑनलीट ऑर्ज बैट अर्ट ऑज लेसर दैन दैट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट जो कंपलसरी है फ्रॉम दिस थिंग सी पी एस ईज मिनिस्ट्रीज एंड ऑल एंड जेम पोर्टल में भी काफी यू मस्ट यू नोइंग दैट जेम पोर्टल इज ह्यूज नंबर ऑफ एम एस एम इज आर ऑपरेटिंग ऑन दिस थिंग सो दैट्स अगेन इज अ ग्रेट इनोवेशन विच टेकन प्लेस

हम लोग इतना अचीवमेंट किए हैं कि पॉइंट थ्री पॉइंट फोर हुआ करता था उसके जगह में शायद हमें एक के आस आ रहे हैं सो so ये फील्ड्स में बहुत कुछ काम बाकी है एंड डेफिनेटली uh, उसका वेंडर डेवलपमेंट उसका ये सारे डेवलपमेंट वो चीज़ मिनिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस रहेगा सर फाइनली लास्ट वर्ड आपकी तरफ से एम के लिए ये चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में कई न्यूर अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रहे हैं पॉलिसी uh, फ्रंट पर भी सपोर्ट जिस तरह से किया जा रहा है uh, आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे देखिए मैं अलग अलग राज्यों में जाता रहता हूँ और अंतरप्रेनर्स को मिलता हूँ मेरा ये मानना है कि दुनिया के सबसे ब्रेव लोग ये लोग दया ब्रेव दर कॉरेजिस द स्मॉल बिजनेस थ्रोज आउट वंडरफुल पर्सनैलिटीज एंड इनका रेजिलेंस इनके कैपेसिटीज उसी के ऊपर मैं मानता हूँ मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट आता है एंड जो कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि ये ये खुद काम नहीं करते जॉब गिवर्स होते हैं ये जॉब्स देते हैं इकोनॉमी को, को जॉब्स देते हैं देश को जॉब्स देते हैं तो यही यही मैसेज है कि आपके अच्छे काम जो है वो कंटिन्यू सर दैट्स ऑल द टाइम वी हैड एम एस एम ई पर हमसे विस्तार से बातचीत करने के लिए और इस क्षेत्र पर एक 360 डिग्री नज़रिया देने के लिए बी वी सोन साहब सेक्रेटरी एम एस एम ई आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर तो हम उम्मीद करते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ चुनौतियों के बावजूद नई ऊर्जा के साथ नए मौक़ों को भुनाने के लिए कदम बढ़ाएंगे फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही नमस्कार गुड बाय